दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग मरने के बाद भी याद करें, यानी आप इतिहास में भी अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो आपको दो चीज़ें करना होगा। पहला, पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए या फिर लिखने लायक कुछ कर डालिए। कहने का मतलब यह है कि आप कुछ ऐसा काम कीजिए अपने ज़िंदगी में जिससे लोग प्रभावित होकर आपकी ज़िंदगी की कहानी को लिखें, किताबों में लिखें, उसका वीडियोज बनाएं या फिर कहीं पर भी लिखें, या फिर कुछ ऐसा लिखिए कि लोग आपके मरने के बाद भी उस किताबों को पढ़ें, आपके विचारों को पढ़ें, तभी आप इतिहास में याद किए जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल राकेश पात्र में। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि ये जो कम्फर्ट जोन होता है जहाँ से हम लोग बाहर निकल नहीं पाते, इससे हम बाहर कैसे निकलेंगे। दोस्तों, अगर आपको कुछ बड़ा करना है या कुछ डिफरेंट करना है, तो आपको जो कंफर्ट जोन होता है उससे बाहर निकलना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर हम लोग इसलिए नहीं निकल पाते हैं क्योंकि हमें बहुत सारा डर रहता है। मान लिया आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आप उस नौकरी में खुश नहीं हैं, लेकिन आप उस नौकरी को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मैं इस नौकरी को छोड़ दूँ तो मुझे पैसा का दिक्कत होगा, या फिर अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो हो सकता है मुझे नौकरी ही ना मिले या दूसरा काम ही ना मिले। तो इस चीज़ से हम लोग डर जाते हैं और हम अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, डरना नहीं है, हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, तभी हम कुछ नया कर सकते हैं या कुछ बड़ा कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि अगर कुछ आपको नया करना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। जैसे कि कोई क्रिकेटर है, वो अगर छक्का भी मारता है तो क्रीज से बाहर निकलना पड़ता है उसको, तभी जाके वो छक्का मार सकता है। एक आध बार हो जाता है क्रीज के अंदर से, ये अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है आपको रिस्क लेना ही पड़ता है, तभी आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ बेहतरीन कर सकते हैं या कुछ फिर बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये बस आपका ही प्रॉब्लम है, दुनिया का हर व्यक्ति का प्रॉब्लम है। और आज इतिहास में जो भी व्यक्ति सफल हुआ है, जो भी व्यक्ति कुछ बड़ा किया है या इतिहास में जिसका नाम हम लोग पढ़ते हैं, उन लोगों ने अपने जो कम्फर्ट जोन है उससे बाहर निकला है, उसको तोड़ा है, तभी जाके वो आज इतिहास में उनका नाम दर्ज हुआ है। दोस्तों, ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ जो होती है आपको मजबूत करने के लिए आती है, ना कि आपको दबाने के लिए। लेकिन हम लोग ऐसा होते हैं कि हम लोग परिस्थितियों के नीचे दब जाते हैं, हमें परिस्थितियों को ही दबाना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने सपनों के लिए जिए, ऐसा नहीं कि रोज़ जीते हैं जो हम लोग, वो तो एक अलग है, लेकिन हम लोग आज सपनों के लिए जिएंगे, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि सपनों को अगर आप पा जाइएगा तो उसका जो खुशी है ना, वो किसी भी काम से करने से नहीं है। किसी भी काम को करके आप खुश नहीं देगा, जितना आपका जो पैशन था या आपका जो सपना था वो आप अगर पा लिए तो, वो चीज़ आप कर पा रहे हैं तो। बोलते हैं ना, सबसे बड़ी सफलता हुई है अगर आप अपनी मर्जी का काम कर पा रहे हैं, तो उससे बड़ी वो सफलता नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग किसी विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।